आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन भी है। अच्छे दिन होने के बावजूद भी मेरे अंदर में ऐसे कई सवाल हैं, कई चीज़ें मेरे अंदर उठ रहे हैं और मैं आप सबके बीच में मतलब कुछ सवाल हैं, मैं खुद भी करना चाहूँगी। और ये सवाल नहीं है कि आज सोनी सोड़ी के साथ क्या हुआ और किस तरह से हुआ, आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो शुरुआत हुई, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक था, वो मैं भी महसूस करती हूँ कभी कभी। इस तरह से पिक्चरें देखती खुद को उस जगह पे, और आज मैं खुद जिस जगह पे, दोनों की तुलना में मुझे लगता है मैं वो नहीं हूँ आज जो हूँ। उस समय कुछ और थी और आज कुछ और। जो यतना है मुझ पे इतनी दिया गया, इतना सब कुछ हुआ, और आज की स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि आज हमको यतना देना कम हुआ है, आज भी हो ही रहा है। आज भी रोजाना पुलिस प्रशासन सरकार से हमारी लड़ाई चलते रहती है, लेकिन मैं अब लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे जेल जाने के बाद ये ईश्वर की मतलब एक खुदा ने मुझे ये जगह दिया है, चुना है, और खुद को मुझ जगह में रख के सोचती हूँ कि मेरे ऊपर 1000 अत्याचार हुए होने पर भी मेरे को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं भी पड़ता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कभी पुलिस वाला मेरे दुपट्टे खींचता है, तो कभी मेरे पुलिस वाले अस्पताल से बाहर कर देते हैं, ताने से बाहर भगा देते हैं, और ये सारी चीजें होते रहता है, वो कभी कम नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैं अपने आप पे सोचती हूँ कि मैंने ही चुना है ये मैदान को, मैंने चुना है इस संघर्ष को, मैंने चुना इस लड़ाई को, फिर मैं किसी से क्या शिकायत करूँ, किसके बारे में क्या बोलूँ, ये मुझे अपने बारे में मुझे नहीं कहना है, मुझे जो करना वो मैं करूँगी। तो वही है कि बस्तर के जो हालात हैं, तो मैं अपने बारे में ज़्यादा कह के उनके बारे में कहना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ तो किसी तरह आप सबके बीच में पहुँच भी गई, आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पहुँच भी गई, लेकिन उनका क्या, जो रोजाना बस्तर में रोज का जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं, कई लड़ाई हुई है। आज मैं आप सबसे यह सवाल करती हूँ कि कानून आखिर सबकी समानता के लिए बना क्यों नहीं? जो कानून हम सबके लिए एक होना चाहिए वो नहीं है। आज जो हम बार बार कहते जरूर हैं कि फोर्स नहीं है क्या, पुलिस ने ये मार डाला, पुलिस नहीं, लेकिन उस फोर्स को चलाने वाला सरकार को इस तरह से बनाया क्यों कि वो जाते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, पुरुषों के साथ मार डालते हैं। ये एकदम बाकी मतलब हकीकत घटना है। अभी जैसे मैं इधर आने के लिए निकली, मुझे आना था दिल्ली, और उसी के बीच में अभी 14 सितंबर में एक बहन का साथ इतना कुछ हुआ। उस बच्ची ने लकड़ी काटने के लिए जंगल गई हुई थी, लकड़ी काटने जंगल गई, वहाँ सीआरपी पहले से ही गश्त में थे। बच्ची देखा नहीं होगा, वो जंगल के अंदर घुस गई, लकड़ी काट रही थी, उसी दौरान फोर्स आई, फोर्स आके उनको बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोली कि नहीं मैं लकड़ी काटने आई हूँ, मैं लकड़ी काट रही हूँ। तो उस दौरान आई दो फोर्स वाले ने उसको पकड़ा और नदी को क्रॉस करते पार करते एक जंगल झाड़ी में ले गए। उसके साथ वहाँ एक सामूहिक बलात्कार हुआ, अब भी वर्तमान में आज मतलब 14 तारीख की बात। अब वो बच्ची को 14 तारीख के बाद शाम को घर वाले बोले कि लकड़ी लेने गई, अभी तक क्यों नहीं आए, ढूंढने लगे, रात हुई, फिर शनिवार हुआ, 15 तारीख को ढूंढे, नहीं मिली, पूरे गांव वाले ने पूरा उधर ढूंढने लगे, नहीं, लेकिन अब 16 तारीख को सुबह बच्ची को मिले, मिलने के बाद जिंदा लाश थी। मुझे फोन आता है कि इस तरह से उस बच्ची के साथ हुआ, 2 दिन जंगल में कैसे बहस थी और ऐसा हालात है, लड़की मर जाएगी। फिर मैं भागते भागते गई अस्पताल, वहाँ जाके फिर उनके काफ़ी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा कि उस समय हम ये नहीं लड़ रहे थे कि इसके ऊपर FIR करो, हम ये लड़ रहे थे कि इसको पहले जिंदा करो, इसको इसकी ज़िंदगी मतलब बचाना ज़्यादा जरूरी। वो कह के उनको लड़ते रहे और पुलिस कहती है नहीं पहले कार्रवाई करनी चाहिए, तो आज आप कैसे नहीं कह रहे हैं कि आप पहले इसे FIR करो? तो हम बोले जब वो जीवित ही नहीं रहेगी FIR कैसा, पहले FIR के पहले हमको इसका इलाज चाहिए। तो चिल्लाते हुए फिर वहाँ से मतलब एक ब्लॉक स्तर का अस्पताल था, वहां से डिस्चार्ज करके जिला अस्पताल में लाए। अब सबसे बड़ी बात यह है, दुख इस बात की, बच्ची का होश आया नहीं, होश नहीं आया उसके कुछ घंटे, कई घंटे के बाद होश आने के बाद पता है उसे क्या पूछा जाता है कि तेरे साथ कितने लोग ने किया, क्या क्या हुआ, उसके पूरी तरह होश भी नहीं आया, वो बता ही रही थी कि मतलब ये ऐसा हुआ ऐसा। फिर उसमें कई सवाल पुलिस ने उठाया कि उसकी बॉडी में क्रॉच नहीं है, उसका शरीर में कोई करच नहीं है, और हमसे बोल रहे हैं सामूहिक बलात्कार का मतलब क्या होता है, आप हमको बताओ, उस महिला के उस बच्ची का
पार्ट्स में ये मतलब पटा नहीं है, इस तरह के सवाल पूछा रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि वो बच्ची 2 दिन से जंगल में कैसे लोगों का सामना की हो कि किस तरह हो। वो बोल रही है कि पुलिस वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके बाद मैंने बेहोश हो, इसकी कोई मान्य नहीं। बोलते हैं कि नहीं उसके मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। ऐसे वहाँ बस्तर की हालत है और आज भी वो बच्ची अस्पताल में है, लेकिन उसकी आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुँची और ना ही पहुँचेगी भी। और ऐसे कितने महिलाएं बेलम नेंड्रा को देखिए, पेता केलूर को देखिए, क्यों खुन्ना में इन सारे महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, वो FIR होने के बावजूद भी वहाँ कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। मड़का मिर्मे को देखिए, मड़का मिर्मे के लिए कितने तिरंगा का पदयात्रा तक करके उस तक लेके हाईकोर्ट तक ले गए केस, उस केस में भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बल्कि विपरीत जाके पुलिस ये कहती है तुम लोगों ने हमारे ऊपर केस किया ना, कौन कौन पीड़ित लोग सब सामने आओ, और जब आते हैं गांव में जाते हैं तो उनसे और बोल के मारा जाता है, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई तुमने हमारे खिलाफ FIR किया, किस तरह से FIR किया, पता है सरकार तुम्हारी नहीं है, सरकार हमारी है। और उन्हीं पीड़ित महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, पुरुषों को मारा जाता है, पीटा जाता है। अब भुर्कापाल में देखिए कानून की बात कहते हैं हम लोग कि अब 14 महीना होने को है और 150 लोगों को लगभग उनको गिरफ्तारी किए हैं और उनको मतलब ऐसे दारा डाल उनको डाला, लेकिन एक दिन के लिए भी रिमांड में जो मतलब कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं। ये वहाँ मानवता का आनंद हो रहा है, मानवता का इस तरह से उन्हें उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके पूछने वाला कौन। अब इस बीच में अगर हम आवाज़ उठाते हैं, हम बोलते हैं, तो हमको यही कहा जाता है कि ये एक नक्सलवादी। आज सुधा भारत देवज का देखिए, अगर उसने अगर आदिवासी के लिए लड़ा तो उसकी इतनी बड़ी धारा लगे, आखिर इस धारा से क्या, आखिर उस पर इतना बड़ा आरोप लगाया मोदी जी को हत्या करने की कोशिश की है उनकी छुट्टी में, ये सब चीज़ें क्या है। अगर वो उस तरह का धारा एक आदिवासी को मदद करने के लिए सुधा भारद्वाज को ऐसा किया जाता है, गौतम नवलखा जैसे ऐसे जो हमारे साथी हैं, वो तो बस्तर की आवाज़ आप सब तक उठाते रहे, वो हम भी समझ रहे हैं कि सरकार ये सब क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है हमको डराने या दबाने की कोशिश कर रही है, पर इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना अगर जुल्म होगा उतनी अंदर क्रांति आएगी और उतना अंदर लोगों के अंदर सोच आएगा, ऐसा हमको लगता है। और हमको दुख इस बात का लगता है कि आज हमारे लिए ये भी नहीं है कि हम हमारी बस्तर की बात करते हैं, बस्तर को पूरा घूम भी नहीं सकते, बस्तर के अंदर घुस भी नहीं सकते, वो लोगों के घरों में मैं जा नहीं सकती, मुझे ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप गाँव के अंदर नहीं जाओगे, अपनों से नहीं मिलो, ये भी कैसी आज़ादी है। अगर ये मतलब यहाँ दिल्ली आई हूँ तो मुझे कोर्ट में बता के आना पड़ता है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, अगर मैं कहीं अलग राज्य में जा रही हूँ कोर्ट में बताना पड़ता है अलग राज्य में, लेकिन बस्तर तो मेरा अपना है, जिस जगह मैं पैदाइश हुई हूँ, फिर वहाँ कैसा मुझे रोका जाता है। किसी महिला किसी पुरुष के साथ अगर कोई किसी प्रकार का होता है, उसकी आवाज़ सुन के अगर वहाँ जाने की कोशिश किया जाता है तो हमको रोक दिया जाता है। जब हमारी गाड़ी रोकते हैं तो हम बस में जाते हैं, बस में जाते हैं तो बस को खड़ा करके सारे सवारियों को परेशान किया जाता है, उन सवारियों को ये भड़काया जाता है ये सोनी सोनी तुम्हारे बस में चढ़ के जा रही थी ना, इसकी वजह से हम बस रुकी है। तो वो लोग बोलते हैं मैडम आपकी लड़ाई जो भी है आप अपना लड़िए, लेकिन हमारा 2 घंटा बर्बाद हो रहा, आप बस से उतर जाइए। आप बस को बस से उतरने के लिए मजबूर किया जाता है कि फिर हम भी सोचते हैं कि ये सवारी हमारे कारण क्यों, फिर हमको उसी रास्ते पे वहीं उतरना पड़ता, फिर कई घंटे दूसरी बस का वेट करना पड़ता, वो बस भी नहीं मिलती है। अगर टैक्सी में जाओ तो टैक्सी ड्राइवर को ताने के अंदर ले जाके डराते हैं कि अगर उसको अगर तुम अपनी गाड़ी में उतर के ले जा रहे हो तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो। ये परिस्थिति होने के बावजूद भी वैसे भी हमारी तो जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो हम तो बचपना से एक कहता पैदा ही सही कि हमको पैदल भी चलना है, फिर हमको पैदल के रास्ते में चलने के लिए 1 दिन लग जाता है, कभी हमको 24 घंटे लग जाता है, कभी 12 घंटे लग, फिर उसकी सफ़र करना पड़ता हमारे लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर लोगों तक पहुंच के अगर वहाँ की मुद्दे उठाए भी नहीं, जैसा अभी नुरका तोंग में 14 बच्चों को उनकी एनकाउंटर किया गया जो पूरा फर्जी है, उसको पूरे हम देश में सब लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन हमारा कहना यही है कि बस्तर की जो हालात है अगर आप लोग के बीच में आके बोलते भी हैं, हर जगह बोलते हैं, हमको एक नक्सलवाद का बात कहा जाता है, कहीं ना कहीं हमारी जनता हमारे जो आदिवासी दोनों के बीच में तो फंसे हैं, कभी सरकार भी वही करती है उसी ग्रामीणों को मार देती है, कभी नक्सल तरफ से मुखबेरी के नाम से भी वो भी कभी इस तरह की हिंसा करते हैं, तो आखिर आदिवासी जाएं तो कहां जाएं। आज
अगर किसी तरह अगर हम एक ताकत बन के अगर इस बात को करते हैं तो हमी को हर तरह से रोका जाता है। आज तो हमारा पूरा जीवन जीवन यापन करने का हर चीज को खत्म किया, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारे बच्चे। लेकिन इससे भी हमको खुशी होती है कि जितना ज्यादा अत्याचार होते उतना ज्यादा उभर के एक ताकत बन के आता है और हम तो लड़ते रहेंगे, अब कभी वो नहीं होगा। और यह मेरी सौभाग्य बात है और यही मैं कहूँगी कि ये मैदान तो मैंने चुना है। मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी कि मैं ये अब ये लड़ाई लड़ा, वो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई में इतनी सजा हुई, ये हुई। शायद मुझे जेल जाने के बाद ये मैदान चुनना था, हमने चुन लिया। और आगे तक हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे अपनों के लिए सबके लिए लड़ना चाहिए। और कई बार ये पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, हम बोलते हमारे लिए बस्तर चाहिए। क्योंकि बस्तर वो बस्तर चाहिए जो बस्तर हम बचपना में देखा करते थे, वो बस्तर चाहिए जो बस्तर में हम आज़ादी की तरह घुमा करते थे। इसलिए हमें इस हर देश में अलग अलग देशों में कई तरह की ऐसी हिंसा है, लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर तो मेरा घर है। मेरे घर में इतना खून खराबी हो रहा है तो मैं और देशों की बात कैसे करूँ, ये सोच के मैं कर नहीं पाती। लेकिन बहुत दर्दनाक बस्तर हो चुका है, खूनों से लथपथ हो चुका है, वहाँ हर रोज मरते हैं, हर दिन बलात्कार होता है, ये एकदम सत्यता है। इसलिए आप सबको हम यही अपील करेंगे कि हमारी बस्तर को और छत्तीसगढ़ को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको सोचने की जरूरत है। और सबको ये है कि उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है, उन सारे ऐसे अत्याचार से जूझने वाले हर किसी की आवाज़ आप तक पहुंचे। और जिस तरह आप लोग ने मुझे मतलब इस आवाज़ के जरिए से बचाने की कोशिश किया, उन सारे बस्तर वासियों की आपको भी बचाना चाहिए, उनकी आवाज़ आपको सुननी चाहिए। वह हर रोज तकलीफ जूझ रहे हैं और हर दिन उनकी एक तकलीफ से इस तरह से मरण गति उसकी हो रही है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और इस संघर्ष हम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तब तो।